इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि कमेटी की आड़ में देहव्यवहार का पर्दाफाश हुआ है। 15 युवतियों समेत 44 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामला फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक होटल पर छापा मार कर 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन सबके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही इन युवतियों पर आरोप है कि फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित पर द अर्बन होटल में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था। पुलिस के मुताबिक इन्हें सूचना मिली थी कि इस होटल में काफी संख्या में युवतियां और युवक मौजूद हैं और जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वहां अवैध रूप से शराब का सेवन भी किया जा रहा है। इसके अलावा अश्लील नृत्य भी हो रहा है। इस सूचना के बाद पुलिस ने एक सिपाही को फर्जी ग्राहक बनाकर होटल में भेजा और सूचना के कंफर्म होने पर छापा मार दिया। पुलिस ने इस छापे में 15 लड़कियों समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यहाँ कमेटी की पार्टी चल रही थी, जिसमें एनसीआर से इन युवतियों को बुलाया गया था। इनमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की रहने वाली कई युवतियां शामिल हैं। कार्रवाई करते हुए एसएचओ अर्जुन राठी ने बताया कि 15 युवतियों समेत 44 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किरण मीडिया के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। हट जाओ। हट गए जी। Gracias.
थोड़े पीछे आ सकते हैं। ये हमें करीबन रात 10 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 30-40 युवक और युवतियां एक यहाँ पे अपने होटल है डियर बन करके उसके अंदर विदाउट मतलब परमिशन के और वहाँ पे कई सारे गैर कानूनी काम चल रहे हैं, तो उसी के आधार पे हम वहाँ पे जाके रेड की थी और उसी के आधार पे हमने पर्चा दर्ज किया है। ये टोटल 15 लोग हैं, फीमेल हैं और इसमें हैं अपने 29 मेल हैं। देखिए जी, हमें वैसे एक अपना हमारे हेड कांस्टेबल था मनोज, उसको भेजा था इन्फॉर्मेशन के आधार पे, वो गया है वहाँ जाके उसने इनसे बात की है नीचे, तो दो रूम्स थे वहाँ पे कुछ गैर कानूनी काम भी हो रहा था, बाकी ये लोग थे ये अपनी वहाँ पार्टी कर रहे थे, डांस वगैरह चल रहा था वहाँ पे। शिकायत अब मतलब हमें तो कल ही मिली थी इस चीज़ को लेके, उसके ऊपर कार्रवाई की। इसके अंदर हमने 188 लगाई है, 51 BM एक्ट लगाया है और 294 लगाई है, 345 इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लगाया है, 72C एक्साइज एक्ट लगाई है। हाँ, इसमें कोई ईश नाम का एक आदमी था कि उसने बोला था, उसने अपनी लॉटरी कर रखी थी यहाँ, जैसे कमेटी वगैरह डालते हैं तो उस चीज़ की पार्टी कर रखी थी वहाँ पर। हाँ, बुलाई हैं अभी, उसकी पूरी तहकीकात चल रही है। नहीं, कोई भी हमारे एरिया में कोई भी गैर कानूनी काम होगा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जरूर एक्ट करेंगे उसके ऊपर।